रीट वालों देख लो एक पद के लिए कितने हाथी मैदान में विषयवार संपूर्ण विश्लेषण कितने फॉर्म भरे गए और क्या है आपका सब्जेक्ट वार और लेवल वार कट ऑफ सारी जानकारी सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है तो वीडियो को तो अंत तक जरूर देखना ही देखना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है क्योंकि हर ऑथेंटिक जानकारी रीट मुख्य परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं की आपको अनिल क्लासेज पर मिलने वाली है तो चलिए फटाक से जल्दी से जिसने अभी तक नहीं किया है जो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और घंटी वाला निशान दबा दीजिए हम करते हैं दबा करके वीडियो शुरू तो चलिए देख लेते हैं यार, रीट दो के मुख्य परीक्षा में कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं और लेवल वार इसका क्या आंकड़ा है क्या कंपटीशन रहने वाला है तो चलिए आराम से देखेंगे यहाँ आपको दिख रहा है लेवल वन कुल फॉर्म भरे गए हैं दो लाख ग्यारह हजार नौ सौ अड़तालीस कितने भाई दो लाख ग्यारह हजार नौ सौ अड़तालीस फॉर्म भरे गए हैं यानी कुछ लेवल टू वाले हैं जिन्होंने भी डबल यहाँ फॉर्म अप्लाई किया है जिनके पास रीट की योग्यता थी ठीक है तो चलिए कोई डर वाली बात है नहीं कंपटीशन है बहुत ही कम क्योंकि पद है बहुत ज़्यादा इक्कीस हज़ार पद यहाँ दिए गए हैं और यदि इसका रेस्क्यू का भाग लगाएं इसमें तो आपका आता है दस क्या आता भाई यानी एक पद पर दस उम्मीदवार अभी है आपको पता है कईयों ने डबल फॉर्म भर रखे हैं और कई के बीएसटीसी चल रही है उन्होंने भी गलत जानकारी देके फॉर्म भरे हैं कईयों ने कैसे ही करके न कैन प्रकार फॉर्म तो अप्लाई किया ही किया है कईयों ने डबल फॉर्म भी अप्लाई किए हैं तो आपका रेस्क्यू है वो आठ पर आने वाला है कितने पर आठ पर यानी एक पद पर अधिकतम आठ उम्मीदवार आपके रहने वाले हैं तो ये है लेवल वन वालों की बात यानी कंपटीशन है बहुत ही कम और कुल फॉर्म भी आप यहाँ देख लीजिए और पद आपके हैं बहुत ज्यादा तो ये आपका रेस्क्यू रहेगा विशेष शिक्षा वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं बार बार कि सर हमारे फॉर्मों की अलग से संख्या बताइए तो अभी अलग से आपके फॉर्मों की संख्या का पता नहीं लगा है लेकिन आपका कंपटीशन बहुत ही कम है ठीक है भाई तो उनकी भी जल्दी ही बताने का प्रयास करेंगे अब लेवल टू की बात कर लेते हैं विषयवार सबसे पहले अंग्रेजी के किसके भाई अंग्रेजी अंग्रेजी वालों के लिए बल्ले बल्ले है भाई सबसे कम कम्पिटेशन किसी में है तो वो है अंग्रेजी में फॉर्म भरे गए हैं मात्र चौवन ठीक है और पद है आठ हज़ार सात सौ बयासी यानी बहुत ज़्यादा पद रेस्क्यू आ रहा है मात्र छः का कितने का छः का उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स डबल डबल फॉर्म भर रखे हैं तो यहाँ आपका रेस्क्यू के परीक्षा तक पाँच का आ जाएगा किसका कंपटीशन है मात्र पाँच एक पद पर पाँच ही कैंडिडेट है यानी पाँच में से एक लिया जाएगा तो अंग्रेजी जिसके भी सब्जेक्ट बन रहा है वो तो बिल्कुल अंग्रेजी के अंदर ही अपना पूरा जोर लगा दीजिए आपका चयन होने से कोई नहीं रोक सकता है अगली बात कर लेते हैं हिंदी की तो यहाँ हिंदी के फॉर्म काफ़ी ज़्यादा आए हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदी और एस एस टी संस्कृत है इनमें अधिकतर फॉरम डबल या एक अभ्यर्थी ने तीन तीन फॉरम भी भरे हैं तो आपको ज़्यादा आंकड़ा देख के घबराना नहीं है एक लाख तिहत्तर हज़ार एक सौ तो पिचहत्तर फॉरम भरे गए हैं पद है तीन हज़ार एक सौ तो छिहत्तर यानी लगभग चौवन का रेस्क्यू आता है एक पद पर चौवन यानी आपका यदि कहा जाए तो सीधा परीक्षा देने वालों का रेस्क्यू होगा वो पचास का रहेगा और उसके बाद यदि डबल फॉर्म के गणना में देखा जाए तो कंपटीशन आपका भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहने वाला नहीं है काफ़ी कम हो जाएगा अब संस्कृत भाषा की बात कर लेते हैं यहाँ फॉर्म अच्छी संख्या में प्राप्त हुए हैं ज़्यादा नहीं है कितने हैं भाई तिरसठ हज़ार इकतीस फॉर्म भरे गए हैं पद भी बहुत बढ़िया है एक हज़ार आठ सौ अट्ठारह पद आठ पद है यानी अट्ठारह सौ आठ पद तो संस्कृत का रेस्क्यू आता है थर्टी फोर का यानी एग्जाम तक ये तीस पर चला जाएगा यानी एक पद के लिए तीस अभ्यर्थी मैदान में है और उसमें से एक का चयन होगा तो कंपटीशन थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत में अभी तक है अंग्रेजी में बहुत ही कम था एस एस टी यहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाली मार होती है सबको पता है और अधिकतर अभ्यर्थियों के हिंदी और एस एस टी दोनों सब्जेक्ट बनते हैं तो यहाँ फॉर्म भरे गए हैं दो लाख अट्ठावन हज़ार एक सौ सत्तावन पद है चार हजार सात सौ बारह लेकिन एस एस टी वाले फिर भी खुश होंगे क्योंकि दो हज़ार अट्ठारह वाली वैकेंसी के अंदर तो एक भी पद नहीं था वहाँ भी चला जाता यार यहाँ तो चार हज़ार सात सौ बारह पद तो है तो आपका रेस्क्यू यहाँ आता है पचपन का यानी चौवन पॉइंट कुछ आ रहा है लगभग पचपन का लेकिन आपका भी पचास रहने वाला है और डबल फॉर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ भी कंपिटिशन कम हो जाएगा तो घबराने वाली जरूरत है नहीं गणित विज्ञान वाले आप की भी बल्ले बल्ले बहुत ही ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन काफी फॉर्म आपके भी प्राप्त हुए हैं यहाँ आए हैं एक लाख बारानवे हजार सात सौ इक्यासी फॉरम और पद है वो है सात हजार चार सौ पैंतीस बहुत ही बढ़िया पद है और यहाँ आपका रेस्क्यू बैठ रहा है वो बैठ रहा है बाईस पच्चीस का कितने का भाई पच्चीस का लेकिन लगभग आपका एग्जाम तक ये बीस से बाईस का रहेगा कितना बीस से बाईस तक आपका कंपटीशन रहने वाला है तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है गणित विज्ञान वालों की अच्छी बात है उर्दू के पाँच हजार सात सौ बाईस फॉर्म आए हैं और इसमें आठ सौ छः पोस्टें हैं तो आपका रेस्क्यू सबसे न्यूनतम नहीं कह सकते लेकिन बहुत कम है सात का ही है केवल सात का रेस्क्यू उर्दू वालों का है पंजाबी के यहाँ तीन हज़ार तीन सौ तीन फॉरम भरे गए हैं और पद है दो सौ बहत्तर तो आपका रेस्क्यू यहाँ पंजाबी सब्जेक्ट वालों का बारह का है ये भी घटेगा दस तक आएगा उर्दू वालों का पाँच से छः तक आएगा सिंधी के दो सौ सत्तर फॉरम आए हैं नौ पद है तो यहाँ रेस्क्यू थोड़ा सा ज़्यादा है देखा जाए तो तीस का है लेकिन ये भी पच्चीस से छब्बीस तक आ जाएगा बिल्कुल आप निश्चिंत रहें ज़्यादा आपके भी कंपटीशन नहीं है तो ये थे सारे कितने फॉर्म भरे गए थे सभी बार और क्या आपका कंपटीशन रहने वाला है इसकी जानकारी यदि जानकारी अच्छी लगी है तो अनिल कला से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान दबा दें इसके अलावा कई साथी मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो उनका काम ही है ये नकारे लोग हैं जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है वो ऐसे कमेंट करते रहते हैं ऐसे कमेंटों से हम घबराने वाले हैं नहीं गलत जानकारी किसी को देते नहीं है और किसी को यदि जानकारी की जरूरत नहीं है तो उसको चैनल पे आने की भी जरूरत नहीं है ठीक है तो बिल्कुल आप प्यार बनाए रखें और मैं आपके लिए सटीक और सही विश्लेषण करता रहूँगा सही जानकारी आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा तो धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें